कलेक्टर, डीएम। इस पद की हमारे समाज में, हमारे देश में अपनी एक अलग ही छवि है, और इस पद तक पहुंचने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास करना होता है। और भारत में सबसे पहले जो इस एग्जाम को पास किया था वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने किया था 1863 में, 1863 ईस्वी में उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास कर लिया था, और वो सिविल सर्वेंट बन गए थे, मींस कलेक्टर बन गए थे। और हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। तो चूंकि हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, पावर हमारे हाथ में आया 1947 में, और वो समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी इंडिया को, उस समय एक भारतीय नागरिक जाकर के उनके सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, ICS उस समय हुआ करते थे, IAS की जगह पे SCS बनते हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है कि भारतीयों को उन्होंने कब से अधिकार देना चालू किया और कब से भारतीय लोग सिविल सेवा में आने लगे, ठीक है। और आज हम लोग इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि पूरे भारत पर, भारत के जितने भी क्षेत्र थे उसमें पूरे भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार कब हुआ। हम लोगों ने अपने पार्ट थर्ड में देखा था पिट्स इंडिया एक्ट में कि कंपनी के जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल लागू हो गया था, लेकिन पूरे भारत पे नहीं। लेकिन एक समय आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी और भी मजबूत हो गई और एक एक्ट लाई जिससे उन्होंने ये इंश्योर किया कि पूरा भारत जो भी है, पूरे भारत का जितना भी क्षेत्र है, सारा का सारा अब हमारे अंदर आएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चीजों को समझेंगे, तो देखिए इस वीडियो को, बहुत मजा आएगा। नमस्कार, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अच्छा लगे तो। अगर लगता है कि ये सब जानकारियां और लोगों को भी चाहिए तो आप लोग जरूर शेयर करें, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है, लाइक करें। चलिए आते हैं बिना बकवास के अपने काम पे। तो आज का जो हम लोग का एजेंडा है वो एजेंडा है कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसमें है कि एक चार्टर एक्ट है 1833 का, इसको पढ़ेंगे, और एक चार्टर एक्ट है 1853 का, इस चीज को आज हम लोग, इन दोनों चीजों को आज हम लोग देखेंगे। चार्टर एक्ट 20-20 सालों पे आते थे, आपको पता है 1793 में एक एक्ट आया, 1773 में उससे पहले, फिर उसके बाद 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में, ठीक है। और 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये लास्ट था। तो इन दोनों एक्ट को देखने के बाद हम लोग समझ जाएंगे कि सिविल सर्वेंट में कब से आने लगे भारतीय, पूरे भारत पर ऑफिशियली कब उन्होंने इंश्योर किया कि अब हमारा ये कॉलोनी हो गया है, और विधान परिषद का गठन सबसे पहले भारत में कब हुआ, ये भी हम लोग आज इस एक्ट में देख लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान कौन कौन से थे। ओके, तो 1833 के जो प्रावधान हैं, उनमें से सबसे पहला है कि भारत के गवर्नर जनरल हुए। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं, अभी तक क्या कंडीशन चला रहा था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि ये तीन प्रोविंस, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये तीनों एक दूसरे से फ्री थे, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। और अब क्या किया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो पद का नाम था ना, इस पद के नाम को बदल करके कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल कहा गया बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि बंगाल का गवर्नर जनरल तब तक ही था जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र वाली
इससे पहले जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो वो थी ब्रिटिश के अंदर। लेकिन अभी भारत का गवर्नर जनरल पद का मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल पूरे भारत का है, इसका मतलब पूरे भारत में अब क्षेत्र हो गया है, पूरा भारत अब अधीन हो गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, हालांकि पूरे भारत तो नहीं हो पाया था, कुछ जगह छोटे छोटे जैसे कि लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये सब कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नहीं आए थे। पूरा भारत तो कभी भी उनके अंदर नहीं आया था, लेकिन वो छोटे गोवा, गोवा भी उनके अंदर कभी नहीं आया था। ये सब डच पुर्तगालियों के पास थे, फ्रेंच लोगों के पास थे, फ्रांस भी, फ्रांस डच इन लोगों ने भी कुछ कॉलोनियां बना रखी थी हमारे इंडिया में, और ये 1947 के बाद गई है, 3-4-5 साल के बाद गई है ये। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने काम पे कि बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, भारत का गवर्नर जनरल। और एक क्वेश्चन यहां से बहुत बार उठ के आता है कि पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से कि इंडियन पॉलिटिक्स आना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन तो खैर अगर वन लाइनर पूछा जाना है मल्टीपल चॉइस वाला तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया। और है कि अन्य गवर्नर जनरल की शक्ति में कमी की गई, क्या शक्ति में कमी की गई, देखिए कोई भी गवर्नमेंट के पास अगर सबसे महत्वपूर्ण पावर का हम लोग बात करते हैं तो वो होता है कानून बनाए, कानून बनाना, विधेयिका बनाना। और इस एक्ट ने क्या किया कि ये जो दोनों गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के और एक दो और प्रोविंस थे, इनमें विधायिका मतलब कानून बनाने की शक्ति ही खत्म कर दी। मतलब अभी ये लोग ये धीरे धीरे इंश्योर कर रहे थे कि पूरे भारत पे एक आदमी का शासन होगा, एक आदमी पीएम के जैसे काम करेगा। और बाद में यही हुआ है, 1857 के क्रांति के बाद यही हुआ, संसद का गठन भी हुआ, हम लोग आज ही नेक्स्ट एक्ट में पढ़ेंगे संसद के तरह काम की, विधान पार्षद, ठीक है, अन्य बहुत सारे पार्षदों का गठन हुआ है। और धीरे धीरे इन गवर्नरों का इंपॉर्टेंस खत्म ही कर दिया गया, एकाएक करेंगे, एकाएक देखिए कोई भी चीज होता है तो दिक्कतें आती हैं। ठीक है, कंपनी प्रशासनिक निकाय बना, कहने का क्या मतलब है, देखिए कंपनी को धीरे धीरे लड्डू खिला खिला करके उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। कंपनी बेचारा यहां पर व्यापार करने के लिए आई थी, ठीक है, धीरे धीरे वो यहां पे अपना पैर फैलाई, मजबूत बनी, बहुत सारा रुपया कमाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही उन्हें मोनोपोली भी दी थी। अब क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक निकाय तो बनाया लेकिन व्यापार इनका खत्म कर दिया, अब आप व्यापार नहीं करेंगे और प्रशासन चलाएंगे। ठीक है, तो और प्रशासन दिया तो अच्छा बात है, लेकिन यह भी सिर्फ नाम का ही था। कुछ दिनों के बाद ही सारा का सारा ताज के शासन में चला गया था, ब्रिटिश राजशाही के अधीन आ गया था सारा का सारा क्षेत्र, और कंपनी का सफाया हो गया धीरे धीरे। इन्हों क्या करने के लिए आया था और क्या से क्या हो गया बेचारा देखते देखते। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपना फायदा देखी, कंपनी को अपने अपने फायदे के लिए ये यूज की, ठीक है, जाइए व्यापार करिए, व्यापार करिए, वहां पर मजबूत बनिए, उसके बाद हम आएंगे आपको। ठीक, अब है कि सिविल सेवक के चयन की जो प्रक्रिया थी इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करने का कोशिश किया गया इस एक्ट में। क्या अभी तक जो भी कंपटीशन होते थे उनमें से सारे के सारे ब्रिटेन के लोग बैठते थे, कोशिश किया गया कि देखिए पूरा भारत में जब रूल करना होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और स्थानीय लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए स्थानीय लोगों को पार्षद में भी दिया गया था स्थान, संसद में भी दिया गया था। तो सिविल सेवक का चयन में क्या किया गया कि कोशिश किया गया
कि भारत के लोग भी इस कंपटीशन में बैठ सकें। लेकिन यहां जबरदस्त विरोध हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर थे उन्होंने बहुत ही विरोध किया, और देखिए विरोध होना तो है ही, उन लोगों को लगा कि हम लोगों का अधिकार जा रहा है। अरे एक भी सीट ले गया कोई भारतीय तो वो तो उनके अधिकार में से गया, ठीक है। तो इसलिए बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, और ये सिविल सेवक का भारतीय लोगों का आना सिविल सेवा में फिलहाल स्थगित हो गया, ये एक्ट पास नहीं हो पाया। लेकिन ये इंश्योर हो गया था, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये इंश्योर कर दिया था कि ये होने वाला है आज नहीं तो कल, ठीक है। जब ये हुआ उसकी पृष्ठभूमि यही बन गई थी, बैकग्राउंड यही बन गया था। देखिए कोई भी नया चीज होता है दिक्कतें तो आती हैं, लगता है लोगों को कि अधिकार ही हम लोग का छीना जा रहा है, ठीक है। भारत में भी जब जमींदारी खत्म की जा रही थी 70 के दशक में इंदिरा गांधी के समय में, तो बहुत हंगामा हुआ, बहुत सारे केस हुए कि हमारी जमींदारी हमारा अधिकार छीना जा रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक। तो यही सब हुआ था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को अगर सीधा सीधा हम लोग समराइज करें तो पहली बार भारत के गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। गवर्नर और भी जो बचे थे उनकी शक्ति लगभग खत्म कर दी गई, कानून बनाने की शक्ति खत्म, मतलब लगभग शक्ति खत्म ही है, ठीक। फिर कंपनी का व्यापार खत्म हो गया, व्यापार करने का अधिकार खत्म कर दिया, बोला कि प्रशासन चला, और प्रशासन भी खत्म ही कर दिया गया था थोड़े ही दिनों में। सिविल सेवा का चयन खुली प्रतियोगिता कोशिश किया गया था लेकिन हुआ नहीं, विरोध हुआ लेकिन आगे जाकर के हुआ। तो ये थे एक्ट 1833 के। इसमें हम लोगों ने सीख लिया कि कब पूरे भारतीय भारत के क्षेत्र पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंश्योर कर दिया था ऑफिशियली कि अब हमारा ये कॉलोनी हो गया है, ठीक है। तो ये सब बातें थी इस एक्ट में। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो आते हैं हम लोग 1853 के चार्टर एक्ट पे। इस एक्ट के जो प्रमुख प्रावधान है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, और ये 1853 हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था इस सीरीज को तो हम लोगों ने देखा था कि दो पार्ट में डिवाइड करेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। पहले कंपनी का शासन पढ़ेंगे, उसके बाद ताज का शासन पढ़ेंगे। तो कंपनी के शासन का समय है कहां तक, 1857 तक ही। 1857 में तो विद्रोह हुआ और 58 से चला गया ताज के हाथ में, ठीक है। तो कंपनी के शासन के समय में लास्ट एक्ट, सबसे अंतिम जो कानून है वो यही था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 का चार्टर एक्ट, चार्टर कानून, ठीक है। तो ये लास्ट है, इस चीज को आज हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो प्रावधान था कि गवर्नर जनरल के कार्य को अलग कर दिया। देखिए ऑब्वियस बात है, बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके अंदर कम क्षेत्र थे। भारत का गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे पहली बार, ब्रॉड क्षेत्र हो गया, बहुत वाइड हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। तो इसको चलाने के लिए तो सब काम तो यही नहीं कर सकते थे, तो दो पार्ट में बांटा गया। पहला है प्रशासनिक कार्य और दूसरा है कानून बनाने वाला, विधायिका कार्य। देखिए तीन चीजें होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो आज हम लोग विधायिका मतलब कानून बनाने की शक्ति जो है इसको, और प्रशासन की शक्ति इसको अलग अलग किया गया, ठीक है। प्रशासन चलाने की शक्ति सरकार को दी गई, गवर्नमेंट को। पहली बार इंश्योर हुआ था कि सरकार का सबसे मुख्य काम और सब और एक ही काम है प्रशासन चलाना, और कानून बनाना किसके हाथ में छोड़ दिया। तो इसके लिए विधान पार्षद बनाए गए, ठीक है, छह सदस्यों के मिलाने से एक परिषद बना, ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया, विधान परिषद कहा गया। और भी बहुत सारे परिषदों का गठन हुआ था जो कि संसद की तरह काम करती थी, ठीक है, और ये एक तरह से पीएम की तरह काम करते थे, जैसे अभी हमारे पीएम काम करते हैं,
और बहुत सारे परिषद जो बने वो संसद की तरह काम करते थे। ठीक। और एक ही सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, सीएसई मींस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको आज हम लोग यूपीएससी कहते हैं, खुली प्रतियोगिता की। हम लोगों ने अभी क्या देखा था 1833 के चार्टर एक्ट में, कोशिश तो किया गया लेकिन जबरदस्त विरोध हुआ। लेकिन 1853 में ये एक्ट लाया ही गया, हल्का फुल्का विरोध इस समय में भी हुआ, लेकिन आना है तो लाना है तो आना है, आएगा ही, गवर्नमेंट की मर्जी है। और इसके लिए ध्यान रखने के लिए कि भारतीयों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, एक समिति बैठाई गई थी, मैकाले समिति, ठीक है, जिसको ध्यान रखना है, जो एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान रखें मैकाले समिति के बारे में। इसके बाद है कि कंपनी के शासन का विस्तार। ये सिर्फ नाम का कंपनी के शासन है, यहां पे ये किसके विश्वास के तहत काम कर रही थी, ब्रिटिश राजशाही के विश्वास के तहत ये कंपनी अब काम करना शुरू कर चुकी थी। ठीक है, और भी विस्तार किया, ब्रॉड किया, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना धीरे धीरे, और जो भी जहां जहां भी क्षेत्र बचे हुए थे उनको कब्जाना स्टार्ट किए। ठीक है, अभी हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो उन चीजों को भी देखते, मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज जल्दी शुरू होगी इस चैनल पे, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए क्या कहते हैं, कंपनी का विस्तार होते गया, ठीक है, जैसे मन हुआ, और ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूत होते गई। हालांकि ये 1853 में जब ये सब एक्ट आ रहे थे तो विद्रोह की भी अग्नि धीरे धीरे फूट रही थी। 1857 में ये बहुत ही खतरनाक तरीके से फैली थी। कभी हम लोग 1857 के विद्रोह पे तो जरूर चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए, इसके बाद है कि परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने देखा था कि विधान परिषद बनाए गए, ठीक है, तो विधान परिषद जो बनाए गए उसमें से 6 सदस्य थे, 6 में से 4 सदस्य भारत के होंगे, स्थानीय लोग होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, उन लोगों को भी पता था कि धीरे धीरे अग्नि भड़क रही है विद्रोह की, तो उन लोगों ने थोड़ा सा मतलब इसको शांत करने के लिए कि चलो भाई हम लोग हमारे लोग को भी स्थान दिया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने ये सब बातें की थी। तो परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी हुए, और ये 4 कहां कहां से चुने जाने थे, तो एक मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक बंगाल से और एक आगरा से। ठीक है, ये 4 जगह से एक एक पार्षद चुने जाने थे। ठीक है, तो ये सब थे 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधान। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। गवर्नर जनरल के कार्य को अलग कर दिया गया, मेन काम क्या किया सरकार का, प्रशासन चलाने का, और कानून बनाने का काम परिषद का हुआ। ठीक है, परिषद संसद के जैसे काम करती थी, और परिषद में कितने सदस्य, 6 में से 4 कौन, भारतीय। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता रखा गया 1853 में रखा गया, और 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सफलता भी हासिल की, और कंपनी का शासन तो विस्तार हो ही रहा था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, मजा आया होगा, मजा आया तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।